डियर लर्नर, वेलकम टू एमसीक्यू मेनिया। प्रिय विद्यार्थी, एमसीक्यू मेनिया में आपका स्वागत है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जियोग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज हम इस चैप्टर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास 10th एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 है। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ऑप्शन ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट रेशियो आर आयरन ओर कोकिंग ओल एंड लाइम स्टोन्स रिक्वायर टू मेक स्टील। तो बताइए आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन किस रेशियो में रिक्वायर्ड होते हैं एक स्टील को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ऑप्शन ए 4:2:1, ऑप्शन बी 4:1:2, ऑप्शन सी 4:3:1, ऑप्शन डी 4:3:2। NCERT में दिया गया है, इसको अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट 4:2:1। यानी अगर उसमें चार पार्ट आयरन ओर के हैं तो दो पार्ट कोकिंग कोल के होने चाहिए और एक पार्ट लाइम स्टोन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स इज अ प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। ऑप्शन ए कैपिटल एंड मार्केट, ऑप्शन बी रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी लेबर एंड रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005। ऑप्शन ए क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऑप्शन बी इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ जूट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दैट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत ये कंडीशन नहीं रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील पर एनम इन इंडिया। ऑप्शन ए 28 kg, ऑप्शन बी 30 kg, ऑप्शन सी 32 kg एंड द लास्ट ऑप्शन इज 34 kg। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 32 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट नेसेसरी टू सेटअप एन आयरन एंड स्टील प्लांट। ऑप्शन ए प्रॉक्सिमिटी टू आयरन ओर माइंस, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ऑप्शन सी गुड रिसोर्सेज ऑफ लाइम स्टोन्स एंड मैगनीज, ऑप्शन डी नियरनेस टू अ वॉटर बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्टेज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नियरनेस टू अ वाटर बॉडी टू डिस्चार्ज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू रिवर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड एयर बॉर्न पार्टिकुलेट मटीरियल्स, ऑप्शन सी अनवांटेड साउंड फ्रॉम इंडस्ट्रीज जनरेटर्स सॉज एंड प्यूनिमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। ऑप्शंस को देखकर आपको हमेशा लगेगा कि शायद सारे ऑप्शंस मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से ऑप्शंस को और क्वेश्चंस को दोनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चंस करते समय आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर सही तो 1 मार्क्स, नहीं सही तो 0 मार्क्स। वहाँ पर ये चांस नहीं होता कि कुछ हाफ मार्क्स या 1/4 कुछ मिलेगा। क्वेश्चन 8 क्या गया है, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए मालवा प्लेचू, ऑप्शन बी बुंदेलखंड प्लेचू, ऑप्शन सी मेघालय प्लेचू, ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेचू। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो बताइए एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लोकेट करने के लिए बेस्ट फैक्टर्स क्या होंगे, ऑप्शन ए मार्केट एंड लेबर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड वाटर सप्लाई, ऑप्शन सी चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट। अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो मेन जो प्राइम बेस्ट फैक्टर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिसिटी, और हमको मिलता रहे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चीप बॉक्साइट्स की वहाँ अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि बिना बॉक्साइट के एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10th है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1904 इन ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए पहली सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे बनी, कहाँ पे लगाई गई थी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट दैट इज चेन्नई। चेन्नई में 1904 में पहली सीमेंट की प्लांट का सेटअप हुआ। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, Which one of the following groups of states have the largest number of cotton textile centers? Option A, Gujarat and Maharashtra. Option B, Karnataka and Tamil Nadu. Option C, Maharashtra and Madhya Pradesh. Option D, Uttar Pradesh and Gujarat. The correct option is Option A, Gujarat and Maharashtra. Question number 11th. Which of the following group of factors is a prime group for the location of aluminium smelting plant? Option A, capital and market. Option B, raw material and electricity. Option C, labor and raw material. Option D, capital and transport. Option B है correct, that is raw material and electricity. Next question is on your screen. Which one of the following countries has the largest installed capacity of spindles in the world? Option A, India. Option B, China. Option C, USA. Option D, Britain. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर सोचा करिए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जिससे आपकी चैप्टर में कमांड अच्छी हो जाएगी और चैप्टर में ग्रिप बनेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो बताइए कि कौन सी स्टेट सिटी है हमारे भारत देश में जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट बेंगलुरु। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम के मैप बेस्ड क्वेश्चन में आया था कि उस सिटी को मार्क करो जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15th, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई बॉम्बे। तो बताइए टेक्सटाइल का पहला सेटअप कहाँ हुआ था, सक्सेसफुल सेटअप,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट, दैट इज मुंबई बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन डी सर्विस सेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर सर्विसेज प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस, ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी पवन हंस हेलीकॉप्टर LTD, ऑप्शन डी एलियंस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स LTD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन डी दैट इज मुंबई बॉम्बे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19, वॉट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज ऑप्शन ए मेनी इंडस्ट्रीज सेटअप इन रूरल सेंटर्स, ऑप्शन बी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली एग्रो बेस्ड, ऑप्शन सी मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स, ऑप्शन डी इंडस्ट्रीज सेटअप प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज मेनी इंडस्ट्रीज टेंड्स टू कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर्स के द्वारा जो ऑफर दिए जाते हैं उनके एडवांटेजेस को यूज करने के लिए, जब कई सारी इंडस्ट्रियां इकट्ठा होती हैं एक साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बताइए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टूरिज्म इंडस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑप्शन ए HMT बेंगलुरु, ऑप्शन बी टिस्को जमशेदपुर, ऑप्शन सी भेल हैदराबाद, ऑप्शन डी बालको कोरबा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भेल हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑप्शन ए इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, ऑप्शन डी रैपिड अर्बनाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो एडवांटेज है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ये भी एडवांटेज है, रैपिड अर्बनाइजेशन ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है, बट पॉल्यूशन इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स ऑप्शन ए फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी केमिकल्स, ऑप्शन सी टेक्सटाइल्स, ऑप्शन डी पेपर। तो बताइए कि इन चारों इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा केमिकल का यूज करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केमिकल्स इंडस्ट्री यूजेस द मोस्ट यूज ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, दैट इज 60% ऑफ सुगर मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेट्स ऑप्शन ई पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब देखिए सुगर मिल्स वहीं होंगी जहां सबसे ज़्यादा सुगर केन प्रोड्यूस होता होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दैट इज व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज Established ऑप्शन ए
इन अहमदाबाद 1858, ऑप्शन बी इन चेन्नई 1954, ऑप्शन सी कोलकाता 1816, ऑप्शन डी मुंबई 1854। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।